हेलो एवरीवन, मैं सुमन केसरी। फ्रेंड्स, आज की मेरी जानकारी जो है वो है इंडोर प्लांट्स को लेकर, कि जैसे ही फरवरी और मार्च का मंथ चलता है तो हम अपने गार्डन में नए नए प्लांट ऐड करते हैं जो बहुत ही खूबसूरत लगते हैं हमारे गार्डन में, और हम उनकी ग्रीनरी हमें इनकी ग्रीनरी जो होती है बहुत ही अच्छी लगती है। तो फ्रेंड्स, आज की जानकारी इसी को लेकर है कि फ़िलहाल हम अपने गार्डन में कौन कौन से इंडोर प्लांट्स ऐड कर सकते हैं, कम धूप में चलने वाले और हमारे गार्डन में बहुत ही खूबसूरत लगते हैं वो प्लांट। तो चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं कि हम कौन कौन से प्लांट अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले नंबर पर आता है एग्लोनीमा प्लांट। एग्लोनीमा प्लांट को आप अपने गार्डन में बिल्कुल ऐड कर सकते हो फिलहाल। एग्लोनीमा प्लांट जो होता है बहुत ही खूबसूरत लीव्स वाला प्लांट होता है, और बहुत से कलर में ये नर्सरी में आपको मिल जाएगा। अलग अलग लीव्स में ये प्लांट आता है, तो आपको जो भी कलर इसका पसंद हो अपने गार्डन में, फिलहाल आप अपने गार्डन में इसको ऐड कर सकते हो। और फ्रेंड्स, बहुत ही इजीली आपके गार्डन में ऐड भी हो जाएगा, क्योंकि अभी फ़िलहाल अपने ये प्लांट जो होते हैं सभी प्लांट्स अपनी बहुत ज़्यादा ग्रोथ पर हैं, तो आप अपने गार्डन में इन प्लांट्स को बिल्कुल ऐड कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, नंबर दो पर आता है यहाँ पर अरिका पाम। जो अरिका पाम होते हैं हमारे गार्डन में बहुत ही खूबसूरत लगते हैं, बहुत अच्छी ग्रीनरी ऐड करते हैं ये हमारे गार्डन में। तो फ्रेंड्स, अरिका पाम के प्लांट को भी आप अपने गार्डन में बिल्कुल ऐड कर सकते हो, बहुत ही खूबसूरत लगते हैं ये हमारे गार्डन में और बहुत सी ग्रीनरी ऐड करते हैं, और बहुत ही ईजिली आपके गार्डन में ऐड भी हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, आप इस प्लांट को भी अपने गार्डन के लिए ज़रूर लेकर आएँ, जो कि इंडोर का बेस्ट प्लांट होता है अरिका पाम। और फ्रेंड्स, यहाँ पर है सिंगोनियम प्लांट। सिंगोनियम प्लांट भी बहुत सी वैरायटी में आता है और बहुत ही खूबसूरत प्लांट होता है यहाँ पर, ये भी इंडोर का बेस्ट प्लांट होता है, तो आप अपने गार्डन में इसको बिल्कुल ऐड कर सकते हो सिंगोनियम प्लांट को। और इसको अपने गार्डन में ऐड करना भी बहुत ही ईजी होता है, बहुत ही ईजिली हमारे गार्डन में चलता रहता है। एक बार आप अपने गार्डन में इसको ऐड कर दोगे तो काफ़ी टाइम तक ये आपके गार्डन में बना रहेगा, सालों साल। तो आप अपने गार्डन में सिंगोनियम प्लांट को भी ऐड कर सकते हो। और फ्रेंड्स, यहाँ पर बात करते हैं स्नेक प्लांट की। स्नेक प्लांट भी बहुत ही खूबसूरत प्लांट होता है और हमारे बहुत से फ़ायदे होते हैं इस प्लांट के, स्नेक प्लांट के, तो बहुत ही ग्रीनरी ये भी ऐड करता है हमारे गार्डन में। तो आप स्नेक प्लांट को भी अपने गार्डन में ज़रूर ग्रो करें, बहुत ही अच्छा प्लांट होता है ये भी, इंडोर का बेस्ट प्लांट होता है, तो आप इसको भी अपने गार्डन में ऐड कर सकते हो। स्नेक प्लांट जो होता है बहुत सी वैरायटी में आता है, वो बहुत ही अच्छा रहता है ये हमारे घर में लगाना, क्योंकि ये हमारे घर की जो अशुद्ध वायु होती है उसको फिल्टर करता है, और फिल्टर करने के बाद भी ये हमारे गार्डन में बहुत ही कई सालों तक बना रहता है। जब तक आप इसको नहीं हटाओगे तब तक ये नहीं हटेगा, और अपने नए नए प्लांट बनाते रहेंगे स्नेक प्लांट। तो आप अपने गार्डन में इसको बिल्कुल ऐड कर सकते हो स्नेक प्लांट को। और फ्रेंड्स, अब बात करते हैं यहाँ पर चाइना पाम की। चाइना पाम भी बहुत ही खूबसूरत प्लांट होता है, वो बहुत ही अच्छा हमारे गार्डन में रहता है और हमारे गार्डन में जो है बहुत खूबसूरत जो है ग्रीनरी ऐड करता है। तो फ्रेंड्स, आप इसको भी अपने गार्डन में बिल्कुल ऐड कर सकते हो चाइना पाम को। इसकी भी जो लीव्स होती हैं बहुत ही खूबसूरत लगती हैं चाइना पाम की। ये कई वैरायटी में आता है, तो गमले वाली वैरायटी जो होती है वो अलग होती है, और जो बड़ी वैरायटी होती है तो आप उसको ना लेकर आए गमले वाली, छोटी वैरायटी लेकर आए चाइना पाम की, तो आपके गार्डन में ये भी बना रहेगा और बहुत ही खूबसूरत ग्रीनरी ऐड करता रहेगा आपके गार्डन में। तो चाइना पाम को आप ज़रूर लेकर आए। तो फ्रेंड्स, अब बात करते हैं यहाँ पर मनी प्लांट की। मनी प्लांट तो सभी जानते हैं कि हमारे घर में लगाना बहुत ही शुभ भी माना जाता है, और पैसे के लिए इसको सभी लगाते हैं मनी के लिए। तो अपने गार्डन में आप मनी प्लांट को फिलहाल बिल्कुल ऐड कर सकते हो। इसकी नई नई ग्रोथ जो होती है वो होनी स्टार्ट हो चुकी है, तो बहुत ही सी ग्रोथ पर है फिलहाल ये मनी प्लांट। आप देख सकते हो नई लीव्स भी इसकी निकल चुकी हैं, तो मनी प्लांट को अपने गार्डन के लिए आप ज़रूर ऐड कर सकते हो। इसकी भी कई वैरायटी आती है, तो आपके पास जो भी आपको पसंद हो आप अपनी पसंद की वैरायटी लेकर आ सकते हो मनी प्लांट की। तो फ्रेंड्स, मनी प्लांट को भी आप बिल्कुल ऐड कर सकते हो। इसकी लीव्स जो होती हैं बहुत ही खूबसूरत लगती हैं मनी प्लांट की, तो इसको फिलहाल अपने गार्डन में आप ऐड कर सकते हो। और यहाँ पर है फ्रेंड्स सॉन्ग ऑफ इंडिया प्लांट, ये भी इंडोर का बेस्ट प्लांट होता है। इसको भी आप अपने गार्डन में फिलहाल बिल्कुल ऐड कर सकते हो। इसकी भी कई वैरायटी आती हैं, ग्रीन और येलो, मेरे पास दोनों हैं, पर आप इसको अपने गार्डन में बिल्कुल ऐड कर सकते हो फिलहाल। ये भी आपके गार्डन में इजली चलता रहेगा और नर्सरी से बिल्कुल आसानी से आपको ये मिल जाएगा, तो आप ये इंडोर का जो बेस्ट प्लांट होता है आप अपने गार्डन में इसको भी ज़रूर खरीद कर लेकर आएँ।
और फ्रेंड्स यहाँ पर है वॉन्डरिंग जू प्लांट। वॉन्डरिंग जू प्लांट जो होता है आउटडोर और इंडोर दोनों साइड बहुत अच्छे से ग्रो हो जाता है, तो आप अपने गार्डन में इसको इंडोर रखने के लिए बिल्कुल लेकर आ सकते हो, अपने यहाँ पर ऐड कर सकते हो, जो कि वो कई वैरायटी में आता है, तो आप इसको भी अपने गार्डन में ज़रूर ऐड करें वॉन्डरिंग जू प्लांट को। छोटे से ही पॉट में आपके गार्डन में आराम से ग्रो हो जाएगा और बहुत ही ईजिली चल भी जाता है, काफ़ी ब्रांचेस अपनी निकालता है वॉन्डरिंग जू प्लांट, तो आप अपने गार्डन के लिए इसको भी ऐड कर सकते हो अपने गार्डन में फ़िलहाल। और फ्रेंड्स यहाँ पर स्नेक प्लांट की जो शॉर्ट वैरायटी होती है स्नेक प्लांट की, तो आप इसको भी अपने गार्डन के लिए लेकर आ सकते हो, ये भी बहुत ही खूबसूरत लगती है, छोटे से पॉट में ग्रो होने वाली होती है स्नेक प्लांट की शॉर्ट वैरायटी, ये भी कई वैरायटी में आती है छोटी वैरायटी जो होती है स्नेक प्लांट की, तो आप इसको भी अपने गार्डन में लेकर आ सकते हो स्नेक प्लांट की शॉर्ट वैरायटी, ये भी बहुत ही खूबसूरत लगता है हमारे गार्डन में, इंडोर का बेस्ट प्लांट होता है स्नेक प्लांट। तो फ्रेंड्स ये थी मेरी इंडोर प्लांट्स को लेकर जानकारी, जो कि अपने बहुत ही खूबसूरत लगते हैं हमारे गार्डन में इंडोर प्लांट्स, और हमारे गार्डन में बहुत ईजली चल भी जाते हैं। तो फ्रेंड्स अगर आपके यहाँ पर धूप नहीं आती है, कम धूप आती है, तो ये कम धूप में चलने वाले मैंने जो प्लांट आपको बताए हैं, तो फिलहाल आप अपने गार्डन में इनको ऐड कर सकते हो, जो देखने में बहुत ही खूबसूरत लगते हैं और कम धूप में आराम से चलते रहते हैं हमारे गार्डन में। तो फ्रेंड्स इन प्लांट को ख़रीद कर आप अपने गार्डन की खूबसूरती बढ़ा सकते हो। तो अगर मेरी जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो मुझे कमेंट कर जरूर बताना, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। ओके गाइज, बाय।